और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां भोपाल से जयपुर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक। 3 दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं ये 98 विधायक। एमपी कांग्रेस विधायक 3 दिन तक जयपुर में ही रहेंगे और एक कांग्रेस विधायक ने कहा है कि कमलनाथ जी जयपुर जाएंगे, यानी कमलनाथ भी जयपुर आएंगे। लेकिन इस बीच 98 विधायक, जिस तरह से आंकड़ों को लेकर बात कही जा रही थी कि कुछ भी साफ नहीं हो रहा है कि आखिर कितने विधायक आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुल अब जो आंकड़ा सामने आया है वो 98 का है, जब 3 दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं ये 98 विधायक। भोपाल से रवाना हो चुके हैं, भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके हैं और अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सभी 98 विधायक। एमपी के कांग्रेस के विधायक है, 3 दिनों तक ये जयपुर में ही रहेंगे। ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में इनके रहने का इंतजाम किया गया है। इधर एक कांग्रेस विधायक ने तो यहां भी कहा कि कमलनाथ भी जयपुर जाएंगे, यानी भोपाल से जयपुर आ रहे हैं ये कांग्रेस विधायक और कमलनाथ का भी जयपुर आने का कार्यक्रम है। ये एक कांग्रेस के विधायक का कहना है कि कमलनाथ भी जयपुर आएंगे, यानी उनके मुख्यमंत्री भी जयपुर आएंगे। कुल 98 विधायकों के जयपुर आने की बात यहां पर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले भी जब भोपाल से सब विधायक रवाना हो रहे थे तो उनसे जब बात की गई इन आंकड़ों को लेकर कितने विधायक है, तो सबका अलग अलग कहना था। न सिर्फ विधायकों के आंकड़े इन सभी ने अलग अलग बताया बल्कि वजह भी अलग अलग बताया कि आखिर इन्हें क्यों लाया जा रहा है। लेकिन तस्वीर साफ है कि सब एकजुट रहे, एक साथ रहे, किस तरह की बाहरी लोगों के संपर्क में ना रहे, किसी र्यूमर्स में ये शामिल ना हो और किसी अफवाह में शामिल होकर कुछ और कदम ना उठाए, कांग्रेस से बगावत ना करें, तमाम अहम वजह है जिस वजह से इन सबको एकजुट रखने के लिए ही ऐसा किया गया है। और भोपाल का रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, सभी विधायक वहां से रवाना हो चुके हैं, विमान ने उड़ान भर ली है, कितना वक्त उन्हें लगेगा जयपुर आने में? श्वेता, तकरीबन आधा घंटे बाद विमान इंडिगो का यहाँ से उड़ेगा, स्पेशल विमान है ये और ये तमाम विधायकों को लेकर यहाँ से रवाना होगा। और जैसा हम कह रहे थे कि सपा और बसपा के जो विधायक हैं, तकरीबन 3 की संख्या है, अब वो नहीं है अभी तक शुमार। एक निर्दलीय विधायक शेरा वो साथ में है और इसके साथ ही जैसा विधायकों का अलग अलग जो मत थे वो सामने आ रहे थे, कोई 92 कह रहा है, कोई 98 कह रहा है, कोई 106 कह रहा है, कोई 105 कह रहा है, तो अलग अलग जो मत थे विधायकों के वो एग्जैक्टली जो फिगर है वो ऑफिशियली अभी तक कांग्रेस के किसी लीडर ने नहीं बताया। जीतू पटवारी से बात करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, वो भी यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि सब एक है और जो बागी विधायक हैं वो भी हमारे साथ लौटेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। और जो सबसे तल्ख बयानबाजी की कुणाल चौधरी ने, जीत कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, रविकाला पीपल से वो विधायक हैं, कुणाल चौधरी ने कहा कि महाराज ने मारने के लिए प्यादों का इस्तेमाल किया लेकिन हम प्यादों से मरने वाले नहीं हैं। तो एक तरह की जो बयानबाजी है, जहर भूजी बयानबाजी है, वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम विधायक इस वक्त अंदर VIP लॉन्ज में हैं और प्लेन कुछ ही देर में आ चुका है, प्लेन हमने फर्स्ट इंडिया के जरिए विजुअल्स आपको दिखाए थे इंडिगो के प्लेन के, और कुछ ही देर में यहाँ से वो रवाना होगा। और जैसा कमलनाथ के जाने की बात की जा रही है, अभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है लेकिन कमलनाथ आएंगे नहीं, अभी थोड़ा संशय बना हुआ है। जयपुर जाने को लेकर भी संशय बना हुआ है और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि कल वो 4 बजे भोपाल उनके भी आने का कार्यक्रम बन रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति बेहद गर्माई हुई है, लेकिन ये दिलचस्प बात है कि दोनों ही पार्टियों के विधायक जब भोपाल में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भोपाल में नहीं है और कांग्रेस के पार्टी के विधायक भी अभी कुछ ही देर बाद भोपाल से। योगेश, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, सस्पेंस बरकरार है अभी भी कांग्रेस के कुछ विधायकों पर। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक जयपुर के लिए रवाना नहीं हो रहे हैं, कुछ विधायक अभी भी भोपाल में मौजूद है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई? ये बात सही है आपकी, कुछ प्रमुख मंत्री हैं वो यहाँ पर, कमलनाथ और वो कुछ मंत्री यहाँ रुकेंगे और बाकी जो विधायक है, तो इसलिए संख्या बल 92 के आसपास का बैठ रहा है। जैसा मैंने कहा 92 के आसपास का संख्या बल आ रहा है। और ये बात जरूर श्वेता आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ चिंता की लकीरें कुछ विधायकों के चेहरों पर हमें नजर आई है और किस तरह की चिंता की लकीरें थी अलग बात थी। जीतू पटवारी जो आमतौर पर खुलकर बोलते हैं, वो बोलने से अधिक बोलने से बचते नजर आए, वो एक एक विधायक को एयरपोर्ट के अंदर ले जाने का काम उन्होंने किया, लिस्ट उनके हाथ में थी और उसके बाद एक एक विधायक को अंदर ले जाकर और
उन्होंने वीआईपी लॉन्च में बैठाया। इससे पहले कमलनाथ से तमाम विधायक तो मिले और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी मिले। अब क्योंकि रणनीति जिस तरह की बनी हुई है, अभी सेफ साइड के तौर पर ये ज़रूर कहा गया है कि दो दिन बाद फिर आना है, क्योंकि असेंबली शुरू हो रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बात आएगी और राज्यसभा का चुनाव भी है, तो वो तमाम प्रक्रियाएं इस वक्त होनी है। तो विधायकों को दो दिन बाद ही फिर से यहाँ लौटना है। तो किस तरह का ये घटनाक्रम रहेगा, किस तरह का थिंक टैंक अब आगे क्या आदेश देता है, उस पर सब तमाम बातें निर्भर करती है। ये आवश्यक बात एक और है इसके अंदर कि चार ऐसे विधायक है कांग्रेस पार्टी के जिन पर अभी भी संशय है, संदेह की बात आ रही है कि वो सिंधिया खेमे के संपर्क में आने की उनकी बात की जा रही है। पाड़ेबंदी पूरी की है लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कोई टूट फूट होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर अब राजनीतिक विषाद बिछा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कमलनाथ सरकार को गिराने में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ सरकार गिराने की जो अग्रसर है, वहीं तमाम विधायक जो अभी जा रहे थे जयपुर, उन्होंने दावा किया कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है, इस तरह का दावा उन्होंने किया। और जब हमने पूछा कि अशोक गहलोत वहाँ आपको बुला रहे हैं, वहाँ वो मेज़बान रहेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर नेताओं ने कहा कि अशोक गहलोत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, 10 जनपद के बहुत नज़दीक हैं, उन भरोसेमंद नेता हैं गांधी परिवार के, और खुशी होगी उन्हें वहाँ जाकर मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने में। और कुछ विधायक, कुछ क्या ज़्यादातर विधायक ऐसे हैं जो इससे पहले जयपुर नहीं गए हैं और वो पहली बार ही जयपुर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे और राजस्थान की राजधानी जाएंगे, तो इच्छा जताई है कि वहाँ देव दर्शन करने जाएंगे, चाहे साला सर हो, खाटू श्याम जी हो या और कोई प्रमुख मंदिर हो, तो ये भी इच्छा विधायकों की रही है कि वो देव दर्शन भी करेंगे और मन्नत मांगेंगे कि राजस्थान में कमलनाथ सरकार बची रहे। राजनीति में किस तरह का बचना और नहीं बचना ये अलग विषय हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि लाइन ऑफ एक्शन अब ये तय हो चुका है कि सब कुछ विधानसभा के अंदर सकुशल रूप से विधायकों के पहुंचने पर निर्भर करेगा, सकुशल। लेकिन योगेश जी, बीजेपी अपनी तरह से अपने विधायकों को लेकर पहुंच गई है, मानेसर वहां पर आईटीसी मौर्या में मौजूद है, इधर कांग्रेस के विधायक है जो उनको लेकर पहुंच रहे हैं, माने कुछ देर में ही विमान उड़ान भरेगा और जयपुर ये पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन से विधायक है जिसको मिलाकर ये 130 125 के आंकड़े की विवाद कर रहे हैं, और जिस तरह से कमलनाथ ने पहले भी कहा था कि अगर ये बैडमिंटन हमारे साथ खेलेंगे तो हम भी खो खो खेलना जानते हैं, यानी कि अगर ये हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे तो हम उनके विधायक भी हमारे संपर्क में है। 6 से 7 विधायकों की बात की जा रही है, आपको याद होगा कि अभी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के पहले एक और चैप्टर हुआ था जब लग रहा था कि विधायक इधर उधर हो सकते हैं, तब कमलनाथ ने कहा था और खासतौर से नारायण त्रिपाठी का जिक्र किया था जो मैहर से बीजेपी के विधायक है और उनके संपर्क में है, उनके साथ साथ 6-7 विधायकों की बात कही जा रही थी। अब क्या माना जाए कि ठीक है कांग्रेस के तो टूट के वहां जा रहे हैं, क्या बीजेपी के भी विधायक हो सकते हैं जो इधर कांग्रेस के या कमलनाथ के समर्थन में आ सकते हैं, जिसको लेकर कॉन्फिडेंट कमलनाथ नजर आ रहे और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सरकार हमारी ही बनी रहेगी। देखिए दावे हैं, दावों को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, दावे हैं, दावों में बीजेपी के भी दावे हैं, कमलनाथ के भी दावे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये निष्पक्ष आकलन हम कर सकते हैं कि संख्या बल में पिछड़ चुके हैं कमलनाथ। अब सरकार बचेगी किस तरह से बचेगी अलग बात है, लेकिन संख्या बल का जो गणित है उसमें पिछड़ चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जब वो भोपाल लौटेंगे बागी विधायक, उस दरमियान उनमें वो भावना जगाई जाए, उनसे कांग्रेस पार्टी को बचाने की बात की जाए, सरकार को बचाने की बात की जाए, 10 जनपद गांधी परिवार के प्रति आस्था रखने की बात की जाए, मन टटोलने की और मन बदलने की बात उनकी की जाए, तब जरूर कोई बात हो सकती है, बशर्ते ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जितने भी विधायक सिंधिया जी के साथ गए हैं वो विधायक वो हैं जिनकी आस्था पूरी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति रही। बहुत ही मुश्किल होता है किसी एक व्यक्ति के पीछे पार्टी को छोड़कर चले जाना, तो एक व्यक्ति के पीछे पार्टी छोड़कर वही व्यक्ति जाता है जो तय कर लेता है कि भले ही उसके विधायक ये चल जाए, भले ही उसका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाए, लेकिन वो अपने नेता के प्रति वफादार है। तो ये वफादार जो लीडर्स हैं
इनमें अगर सेंध लगना इतना आसान काम नहीं हो सकता बहुत। और अभी देखेंगे हम, कई तरह की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कई तरह की शोभा ओझा हमें नज़र आई है यहाँ पर। मीडिया से वो बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, अध्यक्ष रह चुकी। लेकिन एक श्वेता, एक और बात है यहाँ पर कि जिस तरह का तिलस्म है संख्या बल का, उस तिलस्म को तोड़ने के लिए कमलनाथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे अब, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आज की तारीख में वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जब तक वो मुख्यमंत्री है शासन प्रशासन का जो पूरा दारोमदार है वो उनके कंधों पर है, तो वो पूरी फिजा को बदलने की जिसे कहते हैं प्रभावशाली तरीके से क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या वो कर पाएंगे ऐसा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा है। दिग्विजय सिंह उनके साथ खड़े हैं और दिग्विजय सिंह एक बड़ी ताकत मध्य प्रदेश में राजनीतिक ताकत रही है, कितनी मदद दिग्विजय सिंह कर पाते हैं, दिग्विजय सिंह क्या इस पूरे गणित के अंदर कमलनाथ की सरकार को बचा पाते हैं। एक इतिहास रहा है कि जब पहली बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस समय शुक्ला परिवार चाहता था कि मुख्यमंत्री माधवराव सिंधिया बने, जबकि नाम अर्जुन सिंह का चल रहा था, राजीव गांधी अर्जुन सिंह दस जनपद की पसंद अर्जुन सिंह थे, लेकिन कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह का साथ दिया और दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री बने थे। अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ का साथ देकर क्या कमलनाथ की सरकार को बचा पाते हैं, हालांकि वो साथ खड़े हैं डिफरेंस से साथ, लेकिन क्या बचा पाते हैं? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती यहाँ पर है कि सरकार को बचा लेना, साथ तो खड़े हुए हैं लेकिन कितने मजबूत साबित हो पाते हैं और किस तरह से विधायकों को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पूरा विधायकों का खेल है, नंबर गेम का खेल है और इसमें देखते हैं कौन आगे रहता है और कौन जीतता है। योगेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, चर्चा इस पर